उत्तर कोरिया के तानाशाह शासक किम जोंग उन को लेकर एक बहुत बुरी खबर आ रही है। कहा जा रहा है कि किम कोमा में चले गए हैं और उनकी बहन किम यो जोंग राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मामलों को संभालने की तैयारी कर रही हैं। कई मीडिया रिपोर्टर्स ने यह जानकारी दी है। दक्षिण कोरिया के पूर्व राष्ट्रपति किम डेई जोंग के पूर्व सहयोगी चांग सोंग मिन ने उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग के कोमा में जाने की बात को लेकर एक पोस्ट किया। चांग सोंग मिन के अनुसार उत्तर कोरियाई शासक किम जोंग उन कोमा में है। यही नहीं, इसी के चलते उनकी बहन किम यो जोंग को अमेरिका और दक्षिण कोरिया के साथ संबंधों को संभालने की अधिकृत रूप से जिम्मेदारी दे दी गई। चांग ने दावा किया है कि चीन के एक स्रोत से जानकारी मिली है कि किम कोमा में है। चांग सोंग मिन, जिन्होंने किम दा जंग के कार्यकाल में राजनीतिक मामलों के सचिव और राज्य मामलों के निगरानी कार्यालय के प्रमुख के रूप में जिम्मेदारी संभाली थी, कथित तौर पर एक सोशल मीडिया पोस्ट में दावा कर रहे हैं कि कोई भी उत्तर कोरियाई नेता अपने किसी भी व्यक्ति को किसी अन्य व्यक्ति को अधिकार नहीं सौंपेगा जब तक कि वह शासन करने के लिए बहुत बीमार या तख्ता पलट के माध्यम से हटाना दिया जाए। हालांकि किम जोंग को 11 अप्रैल को वर्कर्स पार्टी पोलिट ब्यूरो की बैठक की अध्यक्षता करते हुए देखा गया था। उसके बाद उन्हें 2 मई को उर्वरक कारखाने के उद्घाटन के दिन रिबन काटते हुए भी देखा गया था।